हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाहू ओरिजिनल्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी वाटर साइकिल, जल चक्र क्या होता है। एक छोटी सी पानी की बूंद दोबारा आसमान में जाके वापस हमारे पास आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर वापस आती है। देखने में तो लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है, बट क्या ये इतना छोटा है? क्या ये प्रोसेस इतना छोटा है? नहीं। आइए मैं बताती हूँ आपको बहुत आसान से तीन तरीकों से कि कैसे ये जो है वो वाटर साइकिल चलती है, कैसे पानी बादल बनता है और वापस हमारे पास धरती पर आता है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? बारिश की पानी या किसी भी तरीके का पानी अगर किसी सतह पे, किसी भी सरफेस पे जमा है, तो सूरज की गर्मी से, सूरज के तपन से वो पानी जो है वो इवेपोरेट होता है, वो भाप बनता है और आसमान में जाता है। ये भी हो सकता है कि वो पानी जो है वो किसी पत्ते के ऊपर हो, नदी का सरफेस हो, कहीं का भी, किसी भी तरीके का, या आप जो कपड़ा बाहर डालते हैं वो किसी भी तरीके का पानी हो सकता है। तो वो जो है जब सूरज की गर्मी से, जो उसकी तपन होती है, उससे जब गर्म होता है और भाप बनता है, वो ऊपर जाता है, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। सेकंड जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले तो हम बोल सकते हैं क्लाउड्स का जो विजिबल फॉर्म जो हमें दिखाई देता है वो होता है कंडेंसेशन। अब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो इवेपोरेट होकर के, जो भाप इवेपोरेट होकर के ऊपर गई थी, हल्की होने की वजह से, गैस फॉर्म में होने की वजह से, जब वो ऊपर गई तो वो क्या हुई, वो क्लाउड फॉर्म में बन गई। तो वो जो क्लाउड फॉर्म में जब बनी, वो ठंडी होने लगी, तो वो हमें धरती से विजिबल, मतलब दिखाई देने लगी, तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। वो भाप हल्की हो, ठंडी हो करके वो जो है वो बादल में बदल गई। तो पहला हमारा हुआ इवेपोरेशन, दूसरा हमारा हुआ कंडेंसेशन, और जो तीसरा हमारा है वो है प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन क्या है? वो जो है वो वापस हमारे पास आता है, जब वो पानी जो बादलों में भर गया है वो जब हेवी हो जाता है तो वो वापस हमारे पास आता है। वो किस फॉर्म में वापस आता है? हो सकता है वो बारिश के फॉर्म में हमारे पास वापस आए, हो सकता है कि वो हेल स्टोन यानी ओलों की तरह हमारे पास वापस आए, या हो सकता है ठंडे देशों में वो स्नोफॉल की तरह वापस हमारे पास आए। सो ये तीन प्रोसेस जो होते हैं, ये तीनों ही मिल करके जल चक्र को पूरा करते हैं, जल चक्र को बनाते हैं। सो ये है बहुत ही छोटे और आसान तरीके से कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है और ये कैसे होता है, कि कैसे भाप बन के पानी आसमान में जाता है, बादल बनता है और फिर वो वापस हमारे पास आता है। और जब वो वापस हमारे पास आता है तो हमें उसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए। कुछ आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि इस पानी को, जो बारिश का पानी है, उसे हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। और इस चीज़ को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। बने रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट डालना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।